احساس کے لیے آ جائے. تو ٹاس یہاں پر گناہگار گریڈیٹر کے کپتان نے جیتا. غلام رسول بھائی ٹاس ٹاس ہوگا ٹاس فیصلہ حال بیٹنگ کو مدد سے خاص وجہ کی ریشی جیتا سے ڈائریکٹ فیصلہ سے ہوگا جب مگر ڈائریکٹ بیٹنگ کا نرے سے وہ جوہان کی ریشی نیوز آپ ان کو جو ہے سرچ کر سکتے ہیں, ان کو لائک کر سکتے ہیں اور ان پہ جو اپنی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں. تو آج میں ان کے حوالے سے بات کروں گا کہ یہاں پہ جو میچ آپ یہاں پہ کمنٹ بھی کر رہے ہیں اور یہاں پہ اور لوگ بھی آئے ہوئے ہیں, تو آج آپ اس میچ کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ 62 رنز کا ہدف دیا ہے مخالف ٹیم نے اور ابھی بولنگ کریں گے ان کی, کیا آپ کے ذہن میں اس طرح کیا خیالات آ رہے ہیں کہ یہ میچ کون سی ٹیم جو ہے جیتے گی؟ یقینی طور پر اشتیاق بھائی اگر بات کیا جائے گا تو آپ ہمارے سینئر کرکٹر بھی ہیں, تو آپ نے ضرور بات کیا ہوگا کہ یہ میچ جو ہے آسان نہیں ہوگا دونوں ٹیموں کے لیے. اس دوران اسرافیل کلک ہونے میں ناکام اور گینٹرمین باؤنڈری لائن سے
बाहर चार रनों के लिए। तो यकीनी तौर पर इश्तियाक भाई अगर आपने बात सही किया था, लेकिन जो अभी वो बॉलिंग शुरू होगा, पहली गेंद पर एक्स्ट्रा के चार रन आए हैं, अगर ऐसा बॉलिंग करेगा तो यकीनी तौर पर मैं तो एमसीसी को ये मैच जीत जरूर जाएगा अगर ऐसा फील्डिंग करेगा। बिल्कुल, जिस तरह मैं एक और बात आपसे पूछना चाहूंगा कि यहाँ पे जब बर्फबारी होती है तो बर्फबारी में लोगों के लिए कोई मुश्किल होती है या नहीं? और यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त कैच लेने में कामयाब हुए फील्डर, जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है फील्डर का। सजाद ने बहुत ही लाजवाब कैच लेने में कामयाब हुए, इंतजार सिर्फ सजाद की जानिब, देखते रहे और देखकर रह पाएंगे। तो बहुत ही जबरदस्त कैच किया है इश्तियाक भाई फील्डर ने, अगर ऐसा बॉलिंग करेगा गुनागर ग्रेडिएटर, ऐसा फील्डिंग करेगा तो यकीनी तौर पर मैच बहुत ही टफ होगा। बिल्कुल, मैं आपसे सवाल कर रहा था कि जब यहाँ पे बर्फबारी होती है तो यहाँ पे जो मकामी लोग हैं उनके लिए मुश्किल होती है या नहीं? तो इश्तियाक भाई बहुत ही अच्छे सवाल किया, हमारे जो यादाश्त है उसपे सिर्फ एक मरतबा यहाँ पर बर्फबारी हुआ है, वो भी हम छोटा सा उम्र में तब हुआ था, अभी तक हमने बर्फबारी को नजरों में नहीं देखा कि बर्फ कैसे होते हैं। बिल्कुल, जो मैं क्या था कि यहाँ पे जिस तरह हमारे बड़ा ग्राम में बर्फबारी होती है, यहाँ भी बर्फबारी होती होगी, लेकिन कोई बात नहीं, बर्फबारी आपके बिल्कुल आप अगर देख सकते हैं तो पहाड़ी के ऊपर है, तो उनको जो है देख कर खुश होते रहो क्योंकि ये अल्लाह ताला की एक नेमत है। और बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें इंटरव्यू दी, और इंशाल्लाह तमाम जो यहाँ पे फेसबुक तौर पर इश्तियाक भाई आपने बडराम की बात की तो यकीनी तौर पर हमने बडराम में 5-6 साल वहाँ गुजार के आए हैं, वहाँ पर हमारा होटल था बडराम में, तो बहुत ही जबरदस्त इलाका है बडराम के, लेकिन ठंडी में जो बडराम की बात करें तो यकीनी तौर पर बहुत ही ज्यादा ठंडी होती है वहाँ पर। और यहाँ पर अपील कर रहे हैं तमाम के तमाम फील्डर, और इस गेंद पर भी कोई रन नहीं तो स्कोर 4, पहले ओवर की गेम जारी है जो एक्स्ट्रा की रूप में चौका आया था इश्तियाक भाई। तो अब गेम पर थोड़ा नजर रखा जाए तो अच्छी बात होगा। बिल्कुल महबूब, मैं अपना जो यहाँ पे बात भी खत्म कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो फेसबुक के सारे फीन है उनके लिए खुशखबरी यहाँ पे सुनाने जा रहा है। जो भी स्पोर्ट्स के शौकीन है वो हमारा पेज लाइक कर सकते हैं, अपासी न्यूज का एक पेज है, आपको जो है वो यूट्यूब पे भी आप सर्च कर सकते हैं, वो आपको मिल सकता है अपासी न्यूज पे, और आप उनको जो है सर्च करके अपनी जो है लाइव जो तो यकीनी तौर पर वो तो हमारा अपना पेज होगा, इंशाल्लाह जरूर लाइक करूंगा। इसराफील टोल पे हुआ है, तेजवीर पार के पास से गुजरे गेंद की बहुत ही जबरदस्त शॉट और बहुत ही लाजवाब शॉट और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। सिर्फ फील्डर जनता जरूर वो गेंद को देख रहे थे और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए, तो बहुत ही जबरदस्त बैटिंग जारी रखा है अभी तक एमसीसी के टीम ने स्कोर।